तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ 2D ऑब्जेक्ट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में बात की थी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मान लेते हैं कि दोस्तों ये टी सेक्शन है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो टी सेक्शन है इसका दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, एक ये ऊपर वाला रेक्टेंगल और ये नीचे वाला एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल इसका मास हम एज्यूम करते हैं m1 और नीचे वाला जो रेक्टेंगल है इसका मास हम m2 एज्यूम करते हैं। ओके, और आपको यहाँ पे एक ओरिजिन फिक्स करना होगा। ओरिजिन आप कहाँ पे भी फिक्स कर सकते हो। हम क्या करते हैं, हम ये जो बॉटम लाइन है इसमें से हम हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं, इसको हम x एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है लेफ्ट मोस्ट साइड की इसमें से हम वर्टिकल लाइन निकालते हैं, इसको हम y एक्सिस बोलते हैं, और हम ये ओरिजिन फिक्स करते हैं। अब दोस्तों अगर ये जो टी सेक्शन है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होता है, तो इसका y एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसको हम x सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, और इसका x एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसको हम y सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। और ये x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, ये है m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, और y सेंटर ऑफ मास क्या है, y सेंटर ऑफ मास होता है m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि जो सेंटर ऑफ मास है ये सेंटर ऑफ मास हमेशा सिमेट्री की लाइन के ऊपर होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर होता है। ओके, मतलब ये जो टी सेक्शन है ये देखिए ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। मतलब आप अगर इस टी सेक्शन को ऐसे कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे आपको। ओके, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर हमेशा सेंटर ऑफ मास होगा। तो आपको ये एग्जांपल में एक सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये इससे आधा आएगा। तो यहाँ पे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर सेंटर ऑफ मास होता है। तो एक सेंटर ऑफ मास आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन वाई सेंटर ऑफ मास आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आप अगर इसको कट करोगे टी सेक्शन को तो दो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो वाई सेंटर ऑफ मास आपको फॉर्मूले का यूज़ करके फाइंड आउट करना होगा। दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर आपका जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 70 और एग्जाम्पल नंबर देखिए 4.12, सॉल्व एग्जाम्पल है 4.12, रीड करिए। सबसे पहले तो अ लेटर ई इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म कार्डबोर्ड विथ शेप एंड डायमेंशन आर शोन इन फिगर, लोकेट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो एक कार्डबोर्ड जो होता है दोस्तों उसका एक लेटर बनाया हुआ है, ई लेटर का शेप बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसके डायमेंशंस फिगर में दिए हुए हैं। फिगर कैसे देखते हैं हम दोस्तों, ये जो लेटर है ये ई लेटर कार्डबोर्ड का तैयार किया गया हुआ है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। और इसका जो 1 cm by 1 cm का जो पार्ट है इसका मास हमें दिया गया है, ये है एम। ओके, तो दोस्तों इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे ओरिजिन फिक्स करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं जो कि एक्स एक्सिस होगा, और ये जो लेफ्ट मोस्ट साइड की जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे हम वाई एक्सिस बनाते हैं, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो हुआ हमारा ओरिजिन। ये ओरिजिन, यहाँ से हम सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले देखिए आपके टेक्स्ट बुक में देखिए ये जो 1/1 का ये ब्लॉक इसका मास m दिया गया है, तो ये m, ये m, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो e लेटर है कार्डबोर्ड का इसका मास कितना हुआ, ये 1m 2m 3m, ऐसे ये कितना हुआ 10m होगा। ओके, तो हमें दोस्तों यहाँ पे ये जो e लेटर है इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है मतलब हमें यहाँ पे x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। ओके, ये हमें x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास, मतलब x एक्सिस से और y एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सोचते हैं दोस्तों कि ये जो e लेटर है ये e लेटर सिमेट्रिकल है क्या कौन से एक्सिस के अबाउट। तो दोस्तों अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो e लेटर है इसको अगर आप ऐसे कट करते हो तो आपको दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। तो ये e लेटर इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस एक्सिस, इस लाइन के ऊपर होगा। ओके, मतलब आपको एक तो डिस्टेंस यहाँ पे मिल चुका है, x एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आपको मिल चुका है, इसको हम वाई सी ओ एम बोलते हैं। तो वाई सी ओ एम आपको मिल चुका है, कितना होगा ये डिस्टेंस कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये 5 cm है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये उससे आधा होगा, मतलब 2.5 cm। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वाई सी ओ एम अननेसेसरली फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मिल चुका है, ये कितना है 2.5 cm। ओके, सिर्फ आपको दोस्तों यहाँ पे एक्स सी ओ एम फाइंड आउट करना है। ये ई लेटर अगर हम ऐसे वर्टिकली कट करते हैं तो हमें दो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलते, तो हम यहाँ पे एक्स सी ओ एम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें दोस्तों ये जो ई लेटर है इसको डिवाइड करना होगा। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे देखिए 9 पार्ट्स किए हुए हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट ये, इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल नंबर 1। ओके, ये रेक्टेंगल नंबर 1, ये रेक्टेंगल नंबर 1 का जो मास है वो मास कितना हुआ, इसका मास m है, तो ये रेक्टेंगल का मास कितना हुआ, ये मास हुआ 3m। ओके, दूसरा रेक्टेंगल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ये वाला,
इसको हम बोलेंगे दूसरा रेक्टेंगल, ठीक है, हम इसको दूसरा पार्ट बोलेंगे। तो इसका मास कितना हुआ दोस्तों, ये भी, ये रेक्टेंगल भी देखिए तीन पार्ट का बना हुआ है, एम एम और एम, तो इसका मास भी कितना हुआ, 3m होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा पार्ट, इसको हम थर्ड पार्ट बोलेंगे, तो इसका मास कितना हुआ, इसका मास होगा दोस्तों m। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट दोस्तों, हम देखिए यहाँ पे ये जो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को हम बोलेंगे यहाँ पे फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट का मास कितना हुआ, इसका भी दोस्तों यहाँ पे 3m होगा। ओके, जैसे कि दोस्तों टी सेक्शन जो है, यहाँ पे देखिए ये जो टी सेक्शन है, ये टी सेक्शन दो रेक्टेंगल के एडिशन से बना हुआ था, एक ये रेक्टेंगल दूसरा ये रेक्टेंगल, तो इसके लिए इसका जो फॉर्मूला था एक्सीओएम का वो क्या था, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये ई सेक्शन जो है, हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सीओएम का फॉर्मूला ये होगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस एम फोर एक्स फोर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों एम वन कितना हुआ, एम वन कितना हुआ यहाँ पे 3m, एम टू कितना हुआ, ये सेकेंड रेक्टेंगल है तो एम टू भी 3m हुआ, एम थ्री कितना हुआ, इसको हमने थर्ड रेक्टेंगल एज्यूम किया है तो ये एम थ्री एम के बराबर हुआ, और एम फोर कितना हुआ, एम फोर भी 3m के बराबर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर की वैल्यूज हमें पता चल गई हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ये क्या होता है, ये दोस्तों होता है देखिए एक्स वन क्या होता है, ये जो वन रेक्टेंगल है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, उसका डिस्टेंस होता है दोस्तों ये एक्स वन, ठीक है। तो ये एक्स वन आपको यहाँ पे मिल चुका है, ये कितना है देखिए, ये 3 सेंटीमीटर है ना, तो ये कितना होगा, ये 1.5 होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा, 1.5। रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है ये हम देख चुके हैं, तो ये एक्स वन आपको मिल चुका है 1.5, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे 1.5 मिल चुका है। एक्स टू कितना होगा दोस्तों, सेकंड रेक्टेंगल कौन सा है, सेकंड रेक्टेंगल ये है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है दोस्तों, इसका सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना है, ये 1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 0.5 होगा, इसको एक्स टू बोलेंगे हम, ठीक है। तो एक्स टू आपको 0.5 मिल जाएगा। एक्स थ्री कितना होगा दोस्तों, ये थर्ड रेक्टेंगल है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, इसको दोस्तों हम एक्स थ्री बोलेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सबसे पहले तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 0.5 होगा, और ये 1 सेंटीमीटर तो यहाँ से दोस्तों ये जो है 1.5 सेंटीमीटर मिलेगा, तो एक्स थ्री आपको मिलेगा 1.5 सेंटीमीटर। दोस्तों एक्स फोर कितना मिलेगा देखिए, यहाँ पे ये जो फोर्थ रेक्टेंगल है, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 1.5 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो एक्स फोर आपको 1.5 सेंटीमीटर मिलेगा यहाँ पे। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है, सो XCOM विल बी इक्वल टू व्हाट, एम वन, एम वन कितना है 3m, इंटू एक्स वन कितना है यहाँ पे 1.5, प्लस एम टू कितना है, एम टू भी 3m है, इंटू एक्स टू कितना है यहाँ पे देखिए, ये डिस्टेंस कितना है, ये 0.5 है, प्लस एम थ्री कितना है दोस्तों यहाँ पे, एम थ्री है 1m, 1m, इंटू एक्स थ्री कितना है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ये 1.5 है। ओके, प्लस एम फोर कितना है दोस्तों, ये एम फोर है यहाँ पे 3m, इंटू इसका डिस्टेंस कितना है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय दोस्तों देखिए एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर, एम वन कितना है 3m, एम टू 3m, प्लस एम थ्री 1m, प्लस एम फोर 3m। आप जितने चाहो इसके पार्ट कर सकते हो, मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है, अगर आपको 9 पार्ट में डिवाइड करना है तो ये फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों इसको, देखिए 3m into 1.5 कितना होगा, ये 4.5m, प्लस 3m into 0.5 ये कितना होगा यहाँ पे देखिए 1.5m, प्लस 1.5m, प्लस 3m into 1.5 सेम होगा यहाँ पे 4.5m, डिवाइडेड बाय देखिए 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10m होगा ये। ओके, तो 4.5 प्लस 4.5 9 प्लस ये होगा 1.5 पर प्लस 1.5 3 9 प्लस 3 कितना होगा, ये होगा यहाँ पे 12। ओके, सो 12m डिवाइडेड बाई 10m, m से m कैंसिल होगा। ओके, और ये 12 डिवाइडेड बाई 10 होगा यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर में आएगा आंसर, ये XCOM। तो आपको जो XCOM है 1.2 सेंटीमीटर मिल गया है यहाँ पे। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये जो है ये कार्डबोर्ड का ई शेप है, इसका सेंटर ऑफ मास हमने फाइंड आउट किया है। ये जो ई शेप है इसका सेंटर ऑफ मास ये x एक्सिस है, यहाँ पे देखिए ये x एक्सिस है और ये है यहाँ पे y एक्सिस,
ओके तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्स सी ओ एम कितना मिला है हमें यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो डिस्टेंस मिला हुआ है हमें वो 1.2 सेंटीमीटर मिला हुआ है, ये जो डिस्टेंस मिला हुआ है ये 1.2 सेंटीमीटर मिला है, इसको हम एक्स सी ओ एम बोलते हैं। और वाई सी ओ एम कितना मिला हुआ है हमें यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है ये वाई सी ओ एम 2.5 सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ पे दोस्तों इसका सेंटर ऑफ मास होगा। आपका जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे दोस्तों ओरिजिन उन्होंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से दोस्तों ओरिजिन सिलेक्ट किया हुआ है तो वो उनका आंसर कितना होगा, ये 0.5 प्लस 0.2 मतलब उनका आंसर होगा 0.7 होगा। ओके हमारा आंसर कितना है एक्स सी ओ एम 1.2 है, तो हम जो है दोस्तों हमने ओरिजिन ये सिलेक्ट किया हुआ है, आपका जो टेक्स्ट बुक है उन्होंने ये ओरिजिन सिलेक्ट किया हुआ है, तो अगर ओरिजिन चेंज होगा तो आंसर चेंज होगा, हमने ये ओरिजिन सिलेक्ट किया है तो हमारा आंसर ये है, ये करेक्ट आंसर होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके दोस्तों देखिए ये जो टी सेक्शन है ये दो रेक्टेंगल के एडिशन से बना हुआ है, इसके लिए देखिए यहाँ पे प्लस साइन है। ये ई सेक्शन देखिए, ये ई सेक्शन चार रेक्टेंगल के एडिशन से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन आया हुआ है। ओके अगर दोस्तों आपको पूछते हैं कि ये देखिए ये शेडेड पार्ट का आपको क्या करना है, यहाँ पे ये शेडेड पार्ट है इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये शेडेड पार्ट। तो ये शेडेड पार्ट कैसे बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है देखिए एक बड़ा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है उसमें से छोटा जो सर्कल है ये निकाल करके मतलब माइनस करके यहाँ पे ये शेडेड पार्ट बना हुआ है। ठीक है तो इसको हम M1 बोलेंगे, इसको हम M2 बोलेंगे, और ये यहाँ पे जो फॉर्मूला प्लस था M1 प्लस M2 था, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों M1 माइनस M2 होगा। ओके तो हम देखते हैं दोस्तों आपका जो पेज नंबर 71 है उसके ऊपर का एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4.14 आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर देखिए पेज नंबर 71 रीड करिए। होल ऑफ रेडियस आर इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2R। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो 4.14 का एग्जांपल है ये क्या है, देखिए अ होल ऑफ रेडियस आर इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2R। एक यूनिफॉर्म डिस्क है दोस्तों, एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 2R। ओके इसकी रेडियस है 2R और इसके अंदर दोस्तों एक होल कट किया गया है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। सेंटर ऑफ द होल इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। ये डिस्क का जो सेंटर है वो यहाँ पे होगा और होल का सेंटर कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ से r डिस्टेंस पर होल का सेंटर है। ठीक है और होल जो है वो ऐसे कट किया गया है, ये होल ऐसे कट किया गया है। ओके ये जो होल है इसकी रेडियस है r और ये डिस्क की रेडियस है 2R। क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क मतलब ये जो डिस्क है 2R रेडियस की, इसके अंदर से ये स्मॉल r वाली डिस्क निकाल दी गई, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है, ये बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। ओके क्वेश्चन फिर से देखिए दोस्तों, अ होल ऑफ रेडियस r, अ होल ऑफ रेडियस r इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2R, इज कट फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2R। सेंटर ऑफ द होल, सेंटर ऑफ द होल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, एट अ डिस्टेंस ऑफ r, ये डिस्टेंस जो है ये r दिया गया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्क। आपको ये जो रिमेनिंग पार्ट है जो ग्रीन कलर से शेडेड किया हुआ है इसका आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, एक यूनिफॉर्म डिस्क थी, एक यूनिफॉर्म डिस्क थी, इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता था, इसका सेंटर ऑफ मास था यहाँ पे। इसके अंदर क्या किया गया दोस्तों, इसके अंदर एक होल बनाया गया है। ओके एक डिस्क इसके अंदर कट की गई है, इसका भी सेंटर ऑफ मास हमें पता है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन दोस्तों आप अब जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। ओके तो दोस्तों ये जो यूनिफॉर्म डिस्क थी, ये जो यूनिफॉर्म डिस्क थी इसके मास को हम M1 बोलेंगे, और इसमें से जो छोटी सी डिस्क निकाली गई है इसके मास को हम बोलेंगे M2। ओके और M1 में से क्या किया गया है, M2 को माइनस किया गया है, तो फॉर्मूले के अंदर क्या होगा, M1 प्लस नहीं होगा अभी, M1 माइनस होगा। ओके तो ये जो शेडेड पार्ट है दोस्तों, ये देखिए कुछ ऐसे दिखेगा ये पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट है यहाँ पे, ये जो शेडेड पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। ओके तो सबसे पहले हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ये बड़ी डिस्क और दूसरी ये छोटी डिस्क। ओके अब नेक्स्ट पार्ट क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे ओरिजिन फिक्स करना होगा, ओरिजिन आप कहाँ पे भी फिक्स कर सकते हो। ठीक है हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ओके और ये हमारा बन गया ओरिजिन, हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, आप अगर यहाँ पे सेलेक्ट करते हो ओरिजिन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछना है ओरिजिन बनाने के बाद दोस्तों कि क्या ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, क्या ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है,
देखिए अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो क्या आपको दो इक्वल पार्ट मिलेंगे, ये अलग पार्ट होगा ये अलग पार्ट होगा। तो ये जो दोस्तों शेडेड पार्ट है ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। तो फिर हम थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे देखते हैं क्या ये शेडेड पार्ट इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो दोस्तों देखिए अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों ये नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ये शेडेड पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। ओके तो आपको यहाँ पे ये जो वाई सेंटर ऑफ मास है ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आपको मिलेगा। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 2R। ठीक है, ये डिस्टेंस 2R है दोस्तों। तो यहाँ पे जो वाई सी ओ एम आपको मिलेगा ये 2R मिलेगा। ठीक है, इसकी रेडियस 2R है, इसकी रेडियस है R। तो डायरेक्टली दोस्तों आपको यहाँ पे वाई सी ओ एम मिल चुका है जो कि है 2R। अब आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों यहाँ पे एक्स सी ओ एम। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने पहला पार्ट ये सर्कुलर डिस्क और दूसरा पार्ट ये छोटी वाली डिस्क एज्यूम की है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 - 2। सो m1 x1 - m2 x2 डिवाइडेड बाय बनेगा दोस्तों m1 - m2। ओके, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ओके तो दोस्तों यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू आपको नहीं दी गई है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा इसका डेंसिटी का यूज़ करना होगा। यहाँ पे मैं करता हूँ, थ्री डायमेंशनल में आपको कैसे दिखेगा। देखिए दोस्तों ये एक बड़ी डिस्क थी, यूनिफॉर्म डिस्क, जिसकी रेडियस 2R थी। इसकी थिकनेस ये हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे T। इसके अंदर होल बनाया गया, ये होल बनाया गया, ये होल आपको दिखेगा कुछ ऐसे। ओके, इसकी रेडियस थी दोस्तों 2R और इसकी रेडियस थी R। ओके, ये जो डिस्क है दोस्तों ये डिस्क कुछ ऐसे दिखेगी आपको निकालने के बाद। तो हम एज्यूम करेंगे दोस्तों कि ये जो डिस्क है ये डिस्क का मास हम एज्यूम करेंगे m। ओके, तो ये छोटी वाली डिस्क का मास अगर m होगा तो ये जो बड़ी वाली डिस्क है इसका मास हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम डेंसिटी का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों देखिए इसकी थिकनेस हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे t, ये थिकनेस हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे t। तो इसकी डेंसिटी क्या बनेगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मास हमने एज्यूम किया है स्मॉल m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या होगा दोस्तों, इसकी रेडियस हमें पता है स्मॉल r रेडियस है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। देखिए ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू ये थिकनेस। ये थिकनेस कितनी है, टी। तो यहाँ से दोस्तों एम के लिए इक्वेशन मिलेगा आपको। एम के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए रो, ये उधर जाने के बाद क्या होगा, पाई आर स्क्वायर टी। तो इस मास के लिए आपको एक इक्वेशन मिल चुका है। ओके, अब दोस्तों हम ये जो डिस्क है, ये जो बड़ी डिस्क है ये, इसका मास फाइंड आउट करते हैं। ये थिकनेस टी है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 2R। ओके, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी इज इक्वल टू इसका मास जो हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है देखिए यहाँ पे 2R, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस टी। ओके, तो इसका मास क्या होगा, इसका मास क्या होगा यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, देखिए इसका मास होगा रो इंटू ये पाई 2R ब्रैकेट स्क्वायर टी इधर चलाएगा। तो यहाँ पे देखिए पाई 2R स्क्वायर मतलब कितना होगा, ये 4R स्क्वायर इंटू टी। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 हम इधर लिखते हैं, 4 रो पाई आर स्क्वायर टी। लेकिन रो पाई आर स्क्वायर टी कितना है दोस्तों, रो पाई आर स्क्वायर टी है m, तो रो पाई आर स्क्वायर टी m है, तो ये मास कितना होगा, 4m होगा। ओके, ये मास कितना होगा, 4m होगा। मतलब m2 को अगर हम m एज्यूम करेंगे तो m1 कितना होगा, 4m, मतलब इसका मास 4m होगा और इसका मास m होगा। ओके, ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे xCOM फाइंड आउट करते हैं। m1 कितना है, m1 हमें मिल चुका है यहाँ पे 4m, तो ये 4m इंटू x1 मतलब ये जो पूरी डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा ना, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस है 2R। सो यहाँ पे मिलेगा आपको 2R माइनस m2 कितना है दोस्तों, m2 हमने अभी भी फाइंड आउट किया है, इसको हमने m एज्यूम किया था, तो यहाँ पे m2 इज m इंटू x2 मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसका डिस्टेंस कितना हुआ, देखिए ये 2R और ये 1R, सो 2R प्लस 1R 3R डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, m1 कितना है, m1 4m है, माइनस m2 कितना है, m है। ओके, तो यहाँ से दोस्तों क्या मिलेगा, देखिए 4m इंटू 2R 8mr माइनस 3mr डिवाइडेड बाय 4m माइनस 1m 3m।
सो 8mr माइनस 3mr कितना होगा दोस्तों, ये देखिए 5mr डिवाइडेड बाय 3m, m से m कैंसिल होगा, आंसर क्या होगा 5r बाय 3। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो आंसर, ओके, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये आंसर कितना है देखिए, ये आपको मिलेगा 1.66r, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिल चुका है दोस्तों, XCOM आपको मिल चुका है 1.66r, और YCOM आपको मिल चुका है, यहाँ पे कितना है देखिए, ये YCOM आपको 2r मिल चुका है, ओके। तो फिर से एक बार दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं फाइनल आंसर क्या है। तो एक यूनिफॉर्म डिस्क थी जिसकी रेडियस 2r थी, ओके, इसके अंदर हमने एक छोटा सा होल बनाया जिसकी रेडियस स्मॉल r थी, ओके। तो इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो बचा हुआ पार्ट है दोस्तों, देखिए ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है, ग्रीन कलर से शेड किया हुआ जो पार्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना है, ओके। इसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने किया हुआ है, हमने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमने अज्यूम किया। वाई सी ओ एम कितना मिला दोस्तों, वाई सी ओ एम 2r मिला, मतलब यहाँ से दोस्तों 2r डिस्टेंस पे ये सेंटर ऑफ मास होगा, ये 2r, ओके। और एक्स सी ओ एम कितना मिला दोस्तों हमें, 1.66r, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये कितना है, ये 2r है, तो 1.66r मतलब यहाँ पे कहीं तो दोस्तों ये देखिए, ये 1.66r, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों ये सेंटर ऑफ मास मिलेगा, जिसका ये डिस्टेंस कितना है 1.66r, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 2r, ओके। आपका जो टेक्स्ट बुक है दोस्तों, वहाँ पे ये ओरिजिन लिया गया है, तो उनका आंसर अलग मिलेगा, हमारा ओरिजिन ये है। तो यहाँ से हमारा ये XCOM हुआ 1.66r, और ये YCOM हुआ 2r, ओके। दोस्तों 2D ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, हमने यहाँ पे सीखा हुआ है। अब दोस्तों एक ही पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है, जो 3D ऑब्जेक्ट, थ्री डायमेंशनल मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।